जब टॉयलेट में विधायक को बंद कर गिरा दी गई हरियाणा के पहले सीएम भगवत दयाल शर्मा की सरकार। दिलचस्प है कहानी। 1960 के दशक की शुरुआत में ही पंजाब के बंटवारे की सुगबुगाहट होने लगी थी। 1 नवंबर 1966, वो तारीख जब लंबे संघर्ष के बाद भाषा के आधार पर पंजाब से अलग होकर हरियाणा एक नए राज्य के रूप में सामने आया। राज्य तो बन चुका था, अब बारी थी नए राज्य के पहले मुख्यमंत्री को चुनने की। 26 जनवरी 1918 संयुक्त पंजाब के जींद जिले के बैरो गांव में एक बच्चे का जन्म हुआ। सवा साल बाद उसकी मां नहीं रही। पिता हीरालाल शास्त्री ने कुछ साल बच्चे को संभाला, फिर रोहतक के मुरारी लाल को गोद दे दिया, जिसका नाम था भगवत दयाल शर्मा। हरियाणा में सीएम के लिए कांग्रेस नेतृत्व ने एक ऐसे नेता पर भरोसा जताया जो स्वतंत्रता सेनानी था और मजदूरों की हक की लड़ाई लड़ने वाला भी, नाम भगवत दयाल शर्मा। आज की वीडियो में बात करेंगे भगवत दयाल शर्मा की, जिन्हें हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री बनने का तमगा तो मिला लेकिन वह उनसे जल्द ही छिनने वाला भी था, चंद महीनों के अंतर पर ही अपनों से मिले धोखे के कारण। हरियाणा में बगावत की अपटकथा उसी दिन से लिखी जाने लगी जब भगवत दयाल शर्मा को मुख्यमंत्री चुना गया, मगर असली खेल शुरू हुआ 4 महीने बाद, यानी फरवरी 1966 में, जब विधानसभा चुनाव हुए। 17 मार्च 1966 को हरियाणा विधानसभा का सत्र चल रहा था, स्पीकर का चुनाव होना था। सीएम भगवत दयाल शर्मा ने स्पीकर पद के लिए जींद के विधायक लाला दयाकिशन के नाम का प्रस्ताव रखा, लेकिन खेल उम्मीद से उल्टा हो गया। सदन में उसी समय एक और नाम उछाल दिया गया, कांग्रेस के ही एक विधायक ने राव बीरेंद्र सिंह का नाम बढ़ा दिया। वोटिंग के बाद जब नतीजे आए तो मुख्यमंत्री भगवत दयाल शर्मा एक बार फिर सन्न रह गए। राव बीरेंद्र सिंह जीत चुके थे। इस नतीजे के मायने ये भी थे कि मुख्यमंत्री भगवत दयाल बहुमत खो चुके हैं, अब उनको सदन में अपनी सरकार बचाने के लिए परीक्षा देनी होगी, बहुमत परीक्षण देना। अब इन घटनाक्रमों के बीच बहुमत परीक्षण का दिन भी आ गया, लेकिन बहुमत परीक्षण के दिन एक और खतरनाक खेल हुआ। एक विधायक को टॉयलेट में बंद करवा दिया गया ताकि वो वोटिंग में हिस्सा ही ना ले सके। ये विधायक थे बाद में मुख्यमंत्री बनने वाले बंसीलाल। दरअसल बागी विधायकों को पूरा भरोसा था कि पहली बार विधायक बने बंसीलाल उनके पक्ष में वोट नहीं करेंगे, तो प्लान बना कि बंसीलाल को वोटिंग के दिन सदन में ही ना आने दिया जाए। पूर्व विधायक और लेखक भीम सिंह दहिया अपनी किताब पावर पॉलिटिक्स ऑफ हरियाणा में लिखते हैं, बंसीलाल को विधानसभा जाने से रोकने का काम एक अफसर को सौंपा गया था। अंततः भगवत की सरकार को गिरा ही दिया गया। बागी विधायकों ने एक पार्टी भी बना ली और नाम दिया संयुक्त मोर्चा। इसी संयुक्त मोर्चा की छतरी तले जोड़ तोड़ कर 48 विधायक भी जमा कर लिए गए और फिर तारीख आई 25 मार्च 1966। राव बीरेंद्र सिंह नए मुख्यमंत्री बने, मगर ज्यादा दिन तक नहीं रह सके। 9 महीने बाद ही राज्यपाल ने विधानसभा भंग कर दी। राज्यपाल ने दावा किया कि विधायक हर रोज पाला बदल रहे हैं और सरकार के पास बहुमत नहीं है। मई 1968 में फिर से विधानसभा चुनाव हुए, कांग्रेस को बहुमत मिला, 81 में से 48 सीटें आईं। 22 मई 1968 को नई सरकार ने शपथ भी ली, मगर इस बार भी मुख्यमंत्री भगवत दयाल शर्मा नहीं बन सके। बना वो विधायक जिसे टॉयलेट में बंद कर दिया गया था, नाम बंसीलाल।